अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज का मैच तो हांगकांग से हम विन कर गए हैं, अगला मैच बड़ा क्रूशल है, इंडिया के साथ मैच है और एक दफ़ा हम मैच हार चुके हैं, तो शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हरा। ज़हरा, मुझे ये बताइए, पिछला मैच आपने देखा था इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान? हाँ जी, हाँ जी। तो बॉयज़ को क्या हुआ था हमारे यहाँ? आई थिंक उनका वैसे ही खेल के या वैसे उनका थोड़ा रिदम लो हुआ था, लेकिन मैच हम बहुत क्लोज तक लेके आए थे। 149 का स्कोर उन्होंने इतनी दूर तक ड्रैग किया था, इट वाज कमेंडेबल, बहुत अच्छा किया खेला था उन्होंने। फिर भी अब मतलब बाबर की कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही जिसपे सारे रिलाय कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी इस पे, बाबर पे ज़रा फोकस बताएं हमें कैसा होगा? देखिए, बाबर हमेशा टीम को सोलो कैरी नहीं कर सकता, वो कैप्टन है, उसके ऊपर और बहुत सारे प्रेशर्स हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में उसको हर कोई बहुत ज़्यादा टॉन्ट वगैरह कर रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, आज भी उसने परफॉर्म नहीं किया, हांगकॉन्ग के खिलाफ वो आउट हो गया, लेकिन होपफुली नेक्स्ट मैच में उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगी। और बाबर के अलावा आप कौन सा ऐसा प्लेयर देखती हैं कि जो चलने वाला है? नसीम शाह भी, उसने भी बड़ा अच्छा बॉलिंग की थी। आई थिंक रिजवान और फ़खर जमान की होपफुली इस मैच के बाद अगर फॉर्म आ गई और जब वो चल जाता है तो वो बहुत अच्छा खेलता है। और खुशदिल शाह के सिक्स कैसे थे? खुशदिल शाह वो बस इट्स लाइक कभी चल जाए वो प्लेयर, कभी ना चले, जैसे अब बिल्कुल जैसे आसिफ अली की बात है, तो बस यही है कि ज़्यादातर उम्मीदें बाबर और रिजवान से हैं। आपका नाम? अलीज़ा। अलीज़ा, मुझे ये बताएं, आगे बड़ा क्रूशल मैच है इंडिया के साथ हमारा, आपको पता है वैसे ही जंग का होता है समा के भाई, ये पाकिस्तान बिगट मैच होता है, तो ये बताएं कि कैसा देख रही हैं अगला मैच हमारे हाथ, छीनना इनसे कि नहीं छीनना? देखिए, हमारे बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं, बस इंशाल्लाह अगर हम बॉलिंग पहली कर लें तो आप समझ लें कि मैच हमारा ही है, यानी कि हम सेकंड इनिंग चेस करने में ज़्यादा। यस एग्जैक्टली, हर हाल में हमने बस बॉलिंग पहले करनी है, और शादाब है, नसीम शाह भी है, कोई इंजरी ना हो फिर सेट। तो बॉलिंग में आप किसका कम्बिनेशन देख रहे हैं, फास्ट का अटैक किसके साथ होना? फास्ट शादाब, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो होपफुली वो इंडिया के खिलाफ। अच्छा, दानी को और हसन अली को चेंज करना है, हसन अली को खिलाना चाहिए कि नहीं? नहीं, हसन अली पता नहीं, वो कभी मारता कभी नहीं मारता हसन अली को, मैं पूरे भरोसा नहीं है उसका, हसन अली का भरोसा नहीं है। असल में वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा T20 कप में, वर्ल्ड कप में हुआ था, उसने जो कैच ड्रॉप किया था उसके बाद से भले मतलब हम उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन उससे उस पर ट्रस्ट नहीं है उस प्लेयर पे। हसन अली पे ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ एक कैच पे यार, ना ऐसे ना करें यार। उसने बहुत रन भी दिए थे, वो अच्छा, लेकिन ऐसे मतलब बिल्कुल क्रिटिकल मैच में क्या उसका कोई पता नहीं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, शायकीन क्रिकेट की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही है कि इंडिया के साथ हम मैच इस दफ़ा जीतेंगे, कम्बिनेशन अच्छा है, परफॉर्म कर रहे हैं, लड़कों को कॉन्फिडेंस मिला है, बॉयज़ इस टाइम रेडी हैं इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। तो आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा नीचे देखे कॉमेंट सेक्शन में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने होस्ट साकिब मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।